गाइस एक और अनबॉक्सिंग वीडियो में आपका स्वागत है। और मैंने मंगा लिया मसलेस से इनका एल ग्लूटामाइन और क्रिएटिन क्री प्रो। एक आता है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ठीक है, एक आता है क्रिएटिन क्री प्रो। क्रिएटिन क्री प्रो लोगे वो और प्योरेस्ट फॉर्म होती है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से ऊपर लेवल पे जाना है, मतलब और प्योरेस्ट फॉर्म लेनी है, यानी कि 99.9% प्योर क्रिएटिन क्री प्रो वो मंगाया मैंने। और साथ में मंगाया एल ग्लूटामाइन मसल रिकवरी के लिए। जैसा कि प्रोटीन में तो मिलता ही है हमें, क्रिएटिन भी आजकल आने लगा है उसमें गिरा हुआ, ठीक है, और ग्लूटामाइन भी मिलता ही है, BCAA भी मिलता ही है, तो एडिशनल एड ऑन करने के लिए ताकि मसल रिकवरी थोड़ी और फास्ट हो, ठीक है, तो मैंने मंगाया है एल ग्लूटामाइन और क्रिएटिन क्री प्रो। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए तो क्रिएटिन काम आएगा, ठीक है भाई, हैवी लिफ्ट मारना हो, जैसे आज हम 8 से 10 किलो की प्लेट से मार रहे हैं, डंबल से हम चेस्ट प्रेस मार रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में आपको टाइम लगेगा, लेकिन क्रिएटिन अगर आप रेगुलर लोगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो आप हैवी मार पाओगे और मसल मास भी बिल्ट होगा, ठीक है जी, और सॉरी मसल रिकवरी में भी हेल्प मिलेगी। अब इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है भाई, ठीक है, देख लो, ये आपका बिल हो गया, ठीक है, ये मसलेस की भाई लेवलिंग हो गई, पूरा बंद हो रखा है, देख लो, और जस्ट अभी अभी आया है, तो मैंने कहा भाइयों को दिखा देना, फिर अकेले को यूज़ करना, जो यूज़ करो वो भी दिखाओ, अनबॉक्सिंग दिखाओ, ताकि किसी के पैसे ख़राब ना हो, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं भाइयों, कोई देता नहीं, मुश्किल से कमाए जाते हैं, ठीक है, तो भाई ये है, अब इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ से हमने मारा ब्लेड, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा ये करेंगे, यहाँ से हम ये गए, और ये हमारा देख लो, ठीक है, एक फ्री पीस भी मिल गया भाई, यानी कि पीनट बटर एक स्पून ही देते हैं बस लालच देने के लिए, क्रीमी वाला है इनका, डार्क चॉकलेट वाला नहीं है, क्रीमी वाला है, थोड़ी शुगर हो सकती है इसमें, पर हम तो डार्क चॉकलेट ही खाते हैं, ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको, देखो भाई ये है क्रिएटिन क्री प्रो, ठीक है, जर्मनी से इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ही प्रोडक्ट फॉर्म मिलती है हमें, तो ये इंपोर्ट करते हैं मसलेस क्रिएटिन क्री प्रो, ठीक है, ये आपका हो गया, देख लो जी, और ये आपका हो गया एल ग्लूटामाइन मसल रिकवरी के लिए, ये भी मसल ब्लेस का ही है, ठीक है, वर्कआउट के बाद प्रोटीन में ऐड करके आप ये पी सकते हैं, और क्रिएटिन भी डाल सकते हैं चाहे तो, और क्रिएटिन वर्कआउट से पहले भी पी के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर आजकल प्री वर्कआउट में क्रिएटिन की प्रो आने लगा है, अगर जिनके पास नहीं है प्री वर्कआउट कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 आलू लें, दही लें, और थोड़ा सा नमक डाल के वो भी आप प्री वर्कआउट को काम कर सकते हैं, साथ में क्रिएटिन की प्रो ऐड कर लें जिम जाने से 30 मिनट या 1 घंटे पहले, ठीक है, क्योंकि भाई एनर्जी तभी आती है जब हम 1 घंटा पहले हम जब लेते हैं उसको, ऐसे नहीं कि अभी खाए एकदम, और मैं देखा लोगों को जिम में जाते सीधा केला छील लिया और खाने लगे, तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट बहुत देर में आएगा, ब्लोटिंग होने लगी और एक्सरसाइज में भी ढंग से काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेट जाएगा सीधा आपका यहाँ पे, दिमाग मतलब पेट की तरफ ध्यान देगा कि इसको पहले डाइजेस्ट करूँ या पहले वर्कआउट करूँ, तो उसमें आप माइंड डाइवर्ट कर पाओगे तो फोकस नहीं आ पाएगा मसल पर, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। अभी है मेरा ग्लूटामाइन, अब आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ, इसकी भी देख लो, थोड़ा सा ये काटें, ये खोल लिया है, ठीक है जी, ये लेवलिंग होगा इसकी, ठीक है, ये हाँ पहले आपको तो रेट बताई नहीं मैंने, प्राइस बताना चाहूँगा, ये भाई पड़ा 1150 रुपये का, ठीक है, और ये पड़ा 850 रुपये का, ठीक है, इसमें आती है 83 सर्विंग क्रिएटिन क्री प्रो में, और इसमें आती है 50 सर्विंग, इसका है 3 ग्राम का स्कूप एक, और उसका है 5 ग्राम का स्कूप, और एक एक स्कूप यूज़ करने हैं वैसे, और लोडिंग जैसे बहुत बोलते हैं ना क्रिएटिन क्री प्रो की लोडिंग कर लो, लोडिंग के फ़ायदा नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे प्रोटीन में भी क्रिएटिन आया था, ये भी ले लोगे तो और दो से तीन स्कूप ही तो ले लें, वैसे ही ऐड हो रहे हैं तो इसको चलते रहने दो, 80 दिन क्या जा रहा है भाई, ऐसे ये है ग्लूटामाइन, ठीक है, और ये कोड से आप मैच कर लें, आपका मालूम पड़ जाएगा साइड पर, ये कोड जब डालोगे ऐसे मैच करोगे कि जेन्युइन है नहीं है, असली है नहीं है, ऑथेंटिसिटी के लिए अंदर का होता है कोड, ये चिट जो होती है, ठीक है, अब ये अब आपको दिखाता हूँ मैं अंदर से कैसे दिखता है ये, थोड़ा सा काट लेते हैं इसको, ठीक है जी, अब यहाँ से आप देख लें कैसा है, आप देख सकते हैं पूरा वाइटिश है, देख रहे हो अंदर, दिख रहा है आपको, लो पास से दिखा देता हूँ, इसके अंदर ही स्कूप मिल जाएगा आपको 5 ग्राम का,
तो ये भाई ये हमारा हो गया ग्लूटामाइन, ठीक है। अब इसको कर देते हैं बंद ताकि सील ना जाए। अब अनबॉक्सिंग इसकी करेंगे क्रिएटिन क्रीप रो की। अब आपको ये दिखाता हूँ खोल के पूरा, ठीक है। यहाँ से ही काटेंगे तो इसकी हमने खोल देंगे जैसे, ठीक है। सील खुल गई क्रिएटिन क्रीप रो वगैरह। और जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपको चेक करना हो प्रोडक्ट असली है कि नहीं, ये भाई बार कोड है इनका, या SMS कर लें, साइट पर जाके भी चेक कर सकते हैं बार कोड डाल के, और या SMS करके डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज कर देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपका प्रोटीन असली है नहीं है, ठीक है। उसमें आ जाता है साइट पे, और बाकी SMS से भी आ जाएगा कंपनी की तरफ से, हाँ भाई आपने सामान खरीदा आपका असली है। अब इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ अंदर कैसे दिखता है ये। यहाँ से ये काटेंगे, ठीक है जी। इसको देखो ऐसे काटेंगे, अब ये हो गया, ठीक है। अब ये देख लो भाई, देख रहे हो ये आपको ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये है स्कूप इसका, ठीक है। ये भी वाइटिश होता है, देख लो। एक खासियत ये है क्रिएटिन क्रीप रो की, एकदम मिलता है मुंह में ना, हल्के हल्के दाने आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट था इसका भाई, वो थोड़ा दाने ऐसे होता था, वो अच्छा नहीं लगता था, ऐसा लगता था मिट्टी सी जमा रही। तो भाई यही है कि ये क्रिएटिन क्रीप रो आपको दिखाई दीजिए कैसा है, और बाकी एल-ग्लूटामाइन तो है ही, और बाकी भाई इसका क्या अनबॉक्सिंग करूँ। ये तो एक चम्मच है, ठीक है, बिल्कुल डार्क वैसे ही होता है, मतलब काला सही, थोड़ा जैसा आपने देखा कुछ चॉकलेट टाइप, वही कलर है इसका ब्लैक। उसका क्या अनबॉक्सिंग करो, ये तो फ्रीबीज मिली है, तो मैंने मंगाया नहीं था। तो इनसे कम से कम अगर 2000 रुपये का सामान मंगाओगे ना, तो ये दे देते हैं ये, कि भाई पीनट बटर भी ले लो मुँह मीठा करने के लिए। तो भाई ये हो गई वीडियो मेरी आज की, ठीक है। ये भाई ग्लूटामाइन हो गया, और ये हो गया मेरा क्रिएटिन क्रीप रो। दोनों मसल रिलीज के प्रोडक्ट है, और दोनों आपको साइट पे भी मिल जाएंगे, और हेल्थ कार्ड की साइट पे भी मिल जाएंगे। और ना भी मिले हैं तो कमेंट में नीचे बता देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा, टेंशन मत लो। और दोनों बढ़िया चीज़ें, यूज़ कर सकते हो। मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रहा हूँ इसको, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। पर ये आप लो, और दूसरी बात डाइट पहले रखना भाई, इसके पैसे ना हो तो चलेगा, कोई बात नहीं। क्यों भाई, ये कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये तक का आपको तो बैठेगा बैठेगा पूरा, 2000 तक का। तो बाकी अगर डाइट 2000 रुपये में लोगे तो भाई पनीर वनीर आपका छोले राजमा बहुत सही आ जाएंगे, और बहुत सही प्रोटीन मिल जाएगा। ये तो सप्लीमेंट है एडिशनल के लिए, बस और कुछ ही नहीं है। मतलब ये सोचो कि यही लेके बॉडी बनेंगे, ऐसा नहीं है। डाइट पहले होती है, हमेशा पहले डाइट पे ध्यान दो बस, और कुछ नहीं। तो भाई वीडियो में इतना ही, बाकी शेयर कर दिया करो वीडियो, तुम्हारे लिए लाता रहता हूँ अनबॉक्सिंग, पैसे खर्च करता हूँ तुम्हें भी बताता रहता हूँ, तुम्हारे पैसे भी सेव करता हूँ। तो भाई एक मेरी हेल्प कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो शेयर कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू।